जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी बंद होने से मरीजों का बोझ इमरजेंसी में बढ़ गया है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओपीडी को बंद किया गया है, लेकिन मरीजों की सुविधा के लिए जनपद के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी चल रही है। सीएमओ ने कहा कि जनपद के सभी सीएचसी व पीएचसी में भी इमरजेंसी चल रही, वहां पर जो मरीज आ रहे हैं उनको डॉक्टर समुचित उपचार उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके साथ वैक्सीनेशन का भी कार्य चल रहा है। सीएमओ ने बताया कि जनपद के सभी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि जो मरीज इमरजेंसी में आए उनको बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हाँ, इधर ओपीडी बंद हो गई है, लेकिन हमारी इमरजेंसी चल रही है हमारे सभी अस्पतालों में, हमारे जिला अस्पताल महिला अस्पताल में तो चल ही रही है, सभी डिलीवरी हो रही है, सीजरियन सेक्शन हो रहे हैं, हमारे सीएससी पर भी इमरजेंसी चल रही है, वहाँ भी मेडिको लीगल और इमरजेंसी के कोई भी केसेस आ रहे हैं वो देखे जा रहे हैं, और सीएससी पर टीकाकरण भी चल रहा है, तो ओवरऑल हमारा काम चल रहा है। थोड़ा सा इमरजेंसी पर लोड है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टरों को हमने इमरजेंसी में लगा रखा है कि कोई भी इमरजेंसी का पेशेंट आता है तो उसको देखा जाए और उसका निदान किया जाए।